सोफे पर, वही कह रहे हैं ना हासिल में रहो, वो इंडिया में आज तक किसी को भी नहीं मिला है। कब पता चला आपको? कल जैसे वो टूटा हुआ था ना, तो हम लोग क्षमा जी, क्षमा 12 बजे की कैसे चाहिए हम हाउस नंबर क्या था? अच्छा एक ही घर से 200 कोई ब्लॉक होता है क्या? हाउस नंबर 200 खैबर पास में। कल शाम को ये लोग वो करके अनाउंसमेंट करके गए हैं कि आपके पास एक दिन है, घर खाली कीजिए, हम तोड़ रहे हैं। एक जनरल नोटिस लगा था पर वो दूसरे एरिया में लगा था, उसमें स्पेसिफाइड नहीं था कौन सा एरिया, बस एक एरिया डिक्लेयर करके गए 32 एकर्स, और उसमें कौन आता है कौन नहीं आता है, और उसमें था कि इलीगल ऑब्लिक स्कूटर्स करके गए थे। सो अब मुझे नहीं समझ में आया कि स्कूटर्स का क्या डेफिनेशन है, जबकि हम मतलब ओवर 70 ईयर्स हम यहाँ पे रह रहे हैं, एंड हमारे पास LNDO के लेटर्स हैं हमारे उस पर कि आप पहले हम उनको रेंट पे कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि आप हमें नहीं, कि हमने लीज कर दिया था, हम दूसरे को देंगे, तो उनको पे कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे थे हम सब। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये हम इलीगल स्कूटर्स कैसे हो गए। ये नहीं है कि हमें ज़मीन चाहिए या हमें कुछ और घर चाहिए, टाइम चाहिए जिससे हम एक डिग्निफाइड तरीके से जा सकते। अब देख रहे हैं कैसे सारा सामान खुला पड़ा है, तो हमें वही चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें पर्सनली कोई नोटिस नहीं मिली है, वहाँ खुले में एक नोटिस लगाई गई थी जिसमें लिखा था फॉर स्क्वाटर्स एंड इलीगल ऑक्यूपेंट्स, ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ 75 ईयर्स से रह रहे हैं, मतलब हम कैसे अपने आप को, हम मतलब हाउ कैन वी बी क्लासिफाइड एज स्क्वाटर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स। 75 ईयर्स से इनके ग्रैंड पेरेंट्स पहले, मेरे हस्बैंड के ग्रैंड पेरेंट्स पहले यहाँ आए थे, उन्होंने तब से अभी तक के टाइम टू टाइम पे या तो लीज़ हो या रेंट हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, सब कुछ हम भरते आ रहे हैं। एंड और यहाँ रहते हुए सब लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी। माय हस्बैंड इज आल्सो, हस्बैंड इज एन अर्जुना अवार्डी ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 के वो बेस्ट एथलीट रह चुके हैं। मैं और वो, हम दोनों एक साथ हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ आर्मी में रह चुके हैं, आर्मी में उन्होंने सर्विस करी है। मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ जीती, मेरे हस्बैंड भी ग्रैंड मदर, वो IP कॉलेज से आज वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई है। उन्होंने कुछ बुक्स भी बुक्स लिखी है। इनके फादर ग्रैंड फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, चौधरी शेरजंग। 14 साल उन्होंने प्रिजन में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिजन में 14 साल काटे हैं उन्होंने। आप यहाँ देख सकते हैं इतने पीढ़ियों की जो धरोहर है हमारे पास। आप ये किताबें देखिएगा, सारी ऐसे किताबें हैं, मतलब हमें जो उन्होंने एज क्वार्टर्स क्लासिफाई करके एक दिन के नोटिस में खाली करने को दिया है। दिस इज़ डिवॉइड ऑफ एनी डिग्निटी फॉर, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का गवर्नेंस है, ये किस तरह के अफेयर्स है। ये हमें कल सुबह तोड़ेंगे ऐसे, कल रात को शाम को अनाउंस किया बाहर, पब्लिक नोटिस पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम माइक पे अनाउंस किया गया कि ये सारा एरिया खाली कर दीजिए मेन रोड पे। हम तो अंदर है तब, तो हमें पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो डिमोलिश हुए हैं वो भी देवर नॉट स्क्वाटर्स, वो भी कई सालों से रह रहे थे। अब उनके अपने पेपर्स में लैंग्वेज चाहे जो भी लिखा हो, आई डोंट नो व्हाट द स्टेटस ऑफ द लैंड क्या है उनके हिसाब से, मुझे नहीं पता। लेकिन चाहे जो भी है, अगर आप खाली करवाना चाहते हैं कोई जगह, तो आपको टाइम तो देना चाहिए। ये कोई सिविल राइट या बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है कि थोड़ा टाइम तो मिले लोगों को। अब हम वी आर ट्राइंग टू थिंक कि हम ये हमारी धरोहर को बचाएं या हमारे सिर्फ ज़रूरी सामान ले जाएं। हमें अभी तक हमें कोई घर नहीं मिला है रहने के लिए, एक दिन के नोटिस में कहाँ किसको घर मिलता है। हम तो फिर भी हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे लोकेलिटी में इतने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनका क्या होगा? व्हाट अबाउट देम? जी 13 जुलाई मकान नंबर मेरा 200 था जी, 13 जुलाई को, और बच्चों का मतलब यहीं स्कूल है और पढ़ाई लिखाई यहीं से चलती थी, सारा रूटीन गड़बड़ हो गया, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, जब से छुट्टी पे पड़े हैं अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब बोला था, नोटिस दिया था उन्होंने, तो ये बोला था कि जहाँ कहीं भी देंगे आपको रहने की व्यवस्था देंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, और आपका सामान व्यवस्थित रूप से जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, जब तक आपको यहीं रहने की, मतलब जब तक रह रहे हो आप लोग यहीं रहो, लेकिन जब तोड़ा जाएगा तो आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी। काम काज, रोज़गार, बच्चों की पढ़ाई, सबसे बड़ी समस्या यही है। बोले क्या, हम लोग बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमारा घर छीन लिया उन लोगों ने, बस हमें कोई व्यवस्था करके दे। अब अपनी सरकार से यही उम्मीद है कि हमें कोई व्यवस्था दें, बस हम लोग यहाँ रह रहे हैं
30-40 साल से रह रहे थे हमारे, मतलब ससुर जी सब लोगों का यहाँ, हम तो जो है क्या कहते हैं शादी करके यहीं आए थे, तो हमारा तो सारा सब कुछ यहीं था।